हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट सबसेक्शन 1 ऑफ 164 सीआरपीसी। ये किस चीज़ के बारे में बात करता है? ये बात करता है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो इसमें ये है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा इन्वेस्टिगेशन के दौरान, पर ये जो है जो ये कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा ये बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द इंक्वायरी और ट्रायल होना चाहिए। इसमें लिखा है कि प्रोवाइडेड दैट नो कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर ऑन होम एनी पावर ऑफ मजिस्ट्रेट हैज बीन कन्फर्ड। मतलब किसी लॉ में अगर पुलिस को एज अ मजिस्ट्रेट एक्ट करने की पावर है, तो वो उसके अगर वो भी कोई कन्फेशन रिकॉर्ड करता है तो वो कन्फेशन नहीं होगा, जुडिशियल कन्फेशन नहीं होगा। सेकेंड सबसेक्शन क्या बात करता है कि मजिस्ट्रेट उसको बताएगा जो बंदा कन्फेस कर रहा है कि ये जो तुम कन्फेशन कर रहे हो इट मे बी यूज एज एविडेंस अगेंस्ट यू। ये होगा मजिस्ट्रेट शैल नॉट रिकॉर्ड एनी सच कन्फेशन अनलेस अपॉन क्वेश्चनिंग द पर्सन मेकिंग इट ही हैज रीजन टू बिलीव दैट इट इज बीइंग मेड वॉलंटरली। मतलब मजिस्ट्रेट क्वेश्चन पूछेगा कि तुम ये कन्फेशन वॉलंटरली दे रहे हो या नहीं। अगर वो बताता है कि हाँ मैं वॉलंटरली दे रहा हूं, तभी वो इसको कन्फेशन को रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट सबसेक्शन क्या बताता है कि इफ एट एनी टाइम बिफोर द कन्फेशन इज रिकॉर्डेड द पर्सन अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट स्टेट दैट ही इज नॉट बिलिंग टू मेक द कन्फेशन, द मजिस्ट्रेट शैल नॉट ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ सच पर्सन इन जॉब पुलिस कस्टडी। मतलब कि अगर अक्यूज ने मना कर दिया कि मैं ये कन्फेशन नहीं करूंगा, तो क्या जुडिशियल मजिस्ट्रेट उसको वापस पुलिस कस्टडी में भेज देगा? ऐसा नहीं है, उसको जुडिशियल कस्टडी में नहीं भेजेगा। पहले तो हमें समझना होगा कि क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी में क्या होता है कि पुलिस अथॉरिटी के सुपरविजन में रहता है अक्यूज, और अगर ये बाकी जो है जुडिशियल कस्टडी क्या होती है कि जेल अथॉरिटी के उसमें सुपरविजन में रहता है। तो अगर वो मना कर देता है तो पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेगा मजिस्ट्रेट, जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा। और अगर लगेगा पुलिस को कि मुझे इंटरोगेशन और थोड़े टाइम के लिए करना है, तो पुलिस अप्लाई करेगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कि मुझे थोड़ा अक्यूज से इंटरोगेशन करना है, तो वो जेल अथॉरिटी के उसमें परमिशन से और मजिस्ट्रेट के परमिशन से जाके अक्यूज से क्वेश्चन कर सकता है और अपनी इंटरोगेशन पूरी कर सकता है। फोर्थ सबसेक्शन क्या बोल रहा है कि एनी सच कन्फेशन शैल बी रिकॉर्डेड इन मैनर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 281। कि जो भी कन्फेशन रिकॉर्ड करेंगे वो सेक्शन 281 सीआरपीसी का जो मैनर प्रोवाइड किया है उसी तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो भी रिकॉर्डिंग होगी उसमें मजिस्ट्रेट नीचे एक मेमोरेंडम बनाएगा कि मैंने ये सारी चीजें अक्यूज को एक्सप्लेन कर दिया है कि ही इज नॉट बाउंड टू मेक अ कन्फेशन एंड इफ ही डज सो एनी कन्फेशन मे बी यूज अगेंस्ट हिम एज अ एविडेंस। और वो ये भी लिखेगा कि आई बिलीव दैट दिस कन्फेशन वॉज वॉलंटरी मेड। ये भी बताएगा कि ये मेरी प्रेजेंस में रिकॉर्ड किया जा रहा है कन्फेशन, ये सारी चीजें वो डिस्क्लोज करेगा। नेक्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है कि जो ये हमें यहां पे ध्यान देना है कि ये सबसेक्शन बता रहा है एनी स्टेटमेंट, ये कन्फेशन की बात नहीं कर रहा है, ये स्टेटमेंट की बात कर रहा है। सबसेक्शन 5 स्टेटमेंट की बात कर रहा है। एनी स्टेटमेंट मेड अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी रिकॉर्डेड इन सच मैनर हियर इन आफ्टर प्रोवाइडेड फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस एज इन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट बेस्ट फिटेड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। मतलब कि जो स्टेटमेंट होगा वो इस तरह से रिकॉर्ड होगा जैसे कि कोई एविडेंस रिकॉर्ड किया जाता है, और कोर्ट को मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि उसको ओथ दिला के तब स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करेगा। अब हमें देखना होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेटमेंट एंड कन्फेशन। तो अगर ये आपका स्टेटमेंट है तो ये आपका कन्फेशन है। मतलब ऑल स्टेटमेंट आर नॉट कन्फेशन बट ऑल कन्फेशन आर स्टेटमेंट। नेक्स्ट सबसेक्शन क्या बोलता है कि अगर सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं तो उनका रिकॉर्डिंग जो होगा स्टेटमेंट का वो इस तरह से होगा जैसे कि सबसेक्शन 5 में कहा गया।
नेक्स्ट इसमें लिखा है कि प्रोवाइजो है ये सबसेक्शन 5A का कि दैट इफ द पर्सन मेकिंग द स्टेटमेंट इज टेम्पररली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड द मजिस्ट्रेट शैल टेक द असिस्टेंट ऑफ अर इंटरप्रेटर और अ स्पेशल एडुकेटर इन रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट. मतलब कि अगर ऐसा कोई है जो फिजिकली डिसेबल्ड है, मेंटली डिस्टर्ब पर्सन है, तो ऐसे बंदे के लिए जो मजिस्ट्रेट है स्पेशल एडुकेटर और इंटरप्रेटर की हेल्प ले सकता है. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि अगर ऐसे सिचुएशन है जो टेम्परेरी डिसेबल्ड है, मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड है, तो उसको जो ये हेल्प ली जाएगी इंटरप्रेटर और स्पेशल एडुकेटर की शैल बी वीडियोग्राफ. मतलब उसकी वीडियो बनाई जा सकती है, मतलब उसकी वीडियो बनाई जाएगी. नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं कि ये है अ स्टेटमेंट रिकॉर्डेड अंडर क्लॉज ए ऑफ अ पर्सन हु इज टेम्पररली और परमानेंटली मेंटली फिजिकली डिसेबल्ड शैल बी कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट इन लियू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ. तो ये जो क्लॉज ए में जो कन्फेशन होगा, यस सॉरी कन्फेशन नहीं, स्टेटमेंट जो होगा इसको शैल बी कंसिडर्ड अ स्टेटमेंट इन लियू ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ. मतलब एग्जामिनेशन इन चीफ की जगह पर इसे स्टेटमेंट कंसिडर किया जाएगा. एग्जामिनेशन इन चीफ आपका डिफाइन है सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. तो ये जो होगा स्टेटमेंट, इसको बाद में ट्रायल में क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है. नेक्स्ट सबसेक्शन क्या बता रहा है कि द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग अ कन्फेशन और स्टेटमेंट अंडर दिस सेक्शन शैल फॉरवर्ड इट टू द मजिस्ट्रेट बाय होम द केस इज टू बी इंक्वायर्ड इन टू और ट्राइड. इसमें क्या है, इसमें इस सेक्शन सब सेक्शन से हमें ये पता चल रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो मजिस्ट्रेट केस को ट्राई करेगा वही कन्फेशन और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेगा. कोई भी मजिस्ट्रेट इसको रिकॉर्ड कर सकता है, बस बाद में वो जो है रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन और स्टेटमेंट को उस एरिया उस मजिस्ट्रेट को भेज देगा जिसको ये केस ट्राई करना है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.